श्याम की भक्ति का अजब नजारा है, श्री श्याम की भक्ति का अजब नजारा है। जिधर देखूं भक्त कहते हैं सिर्फ तेरा ही सहारा है, सिर्फ तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। नमस्कार, आप देख रहे हो आपका चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक। मैं रतन वर्मा आज फिर एक धार्मिक श्रृंखला के पहुंचा हूं। कनक दंडवत यात्रा जो पुंसी सर सदाशहर से होकर के खाटू श्री श्याम जी 211 किलोमीटर की यात्रा पर ये जो भक्त जा रहे हैं उनके मैं दर्शन करवा रहा हूं आपको। कनक दंडवत यात्रा जो खाटू श्याम जी आ रहे हैं, थोड़ा सा इनसे समय लेंगे, इनसे वार्तालाप भी करेंगे, बात भी करेंगे। इन्होंने इतनी दूरी की जो यात्रा तय की है, इनको क्या महसूस हुआ और कैसे यात्रा रही, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आप देख सकते हो कि कितनी कठिन यात्रा, आप दिखाना वैसे थोड़ा सा दिखाना, ये देखो पानी पड़ा है, कितनी कठिन यात्रा अभी ये भक्त यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हो कनक दंडवत यात्रा। वैसे तो सदाशहर एक ऐसा शहर है, धार्मिक शहर है, जहाँ से लगभग कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कनक दंडवत यात्रा की है, लेकिन ये भी भक्त पुंसी सर सदाशहर से ये अभी खाटू यात्रा पर जा रहे हैं, उनके मैं आपको दर्शन करूँ। दर्शन करने की बात मैं आपसे इसलिए कहूँगा, भक्ति से क्या लाभ है ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जैसे मोहनदास जी महाराज ने भक्ति की थी श्री सालासर बालाजी की, तो आज सालासर के अंदर प्रथम जो धुना है वो श्री मोहनदास जी महाराज का है। पहले मोहनदास जी महाराज के दर्शन होते हैं, उसके बाद में श्री बालाजी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही श्री खाटू श्याम जी के अंदर श्री आलू सिंह जी महाराज ने बाबा श्री श्याम की आराधना की थी। आज आलू सिंह जी का जो नाम है सर्वप्रिय है, सबसे पहले आलू सिंह जी का नाम आता है, आरती के अंदर भी नाम आता है, उसके बाद बाबा श्री श्याम जी के दर्शन होते हैं। तो ऐसे ये भक्त आप देख सकते हो कि आज यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं भक्तों की मैं आज आपको दर्शन करवा रहा हूँ। भक्ति करने से बाबा हमारी को बहुत ही लाभ देता है। तो आप देख सकते हो कि पुंची सर से जो भक्त जो आज यात्रा पर हैं खाटू श्याम जी, उनके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं और आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यात्रा कितनी कठिन यात्रा होती है। देखो यहां नज़दीक के अंदर देख सकते हो कि पानी है और भक्त देखो कि गद्दे ले रखे हैं, एक भक्त आगे गद्दा बिछाता है, दूसरे उठाते हैं, इस प्रकार से ये यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा आज ये भक्त कर रहे हैं। फिर आपको याद आ रहा हूँ पुंसी से सदार शहर से यात्रा लगभग 211 किलोमीटर की यात्रा ये खाटू श्याम जी की कर रहे हैं, आप देख सकते हो आप। और इनके साथ में एक शायद गाड़ी भी है, शायद ये जो जा रही है गाड़ी इनके साथ में है, जो चाय पानी की व्यवस्था जो साथ में रहती है, शायद ये ऊपर लिखा हुआ है साहब कनक दंडवत यात्रा, आप देख सकते हो। और थोड़ी बात करेंगे इनसे, समय लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह थोड़ी सी यहाँ उचित नहीं लग रही बात करने की, क्योंकि इधर भी देखो थोड़ा जो जगह है रास्ता ख़राब है, इधर भी रास्ता ख़राब है थोड़ा। जैसे सड़क पर इधर हमारे निकट आएंगे हम इनसे वार्तालाप जरूर करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे भी आपको यात्रा के अंदर क्या महसूस हुआ और आप क्या भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हो, ये सारी बात करेंगे भी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। तो अब देखो भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। गोपाल राधे गोविंद, सालासर रोड पर जैसे सरकना सती रोड है वहीं का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखो कठिन यात्रा है, आपने देखा कि पास में गंदा पानी भी है, कीचड़ भी है, इधर आंकड़े भी उगे हुए हैं और कच्ची मिट्टी भी है, फिर भी ये भक्त इतनी शानदार यात्रा बड़े भाव से कर रहे हैं। रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट का वो स्थान है जिसे छोटी काशी कहा जाता है। सुबह के लगभग 7:10 हुए, भोर का समय है और यात्रा आप देख रहे हो कंटिन्यू ये भक्त यात्रा कर रहे हैं। मैं इस यात्रा के अंदर एक ऐसे भक्त से मिला जिनको इतनी अपार शारीरिक पीड़ा है, फिर भी वो इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं। उनके पेट के अंदर एक नलकी लगी हुई है
जिनके द्वारा ये बाथरूम करते हैं। मूत्र नलिका से बाथरूम नहीं आता, फिर भी ये लगभग 211 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो देखते रहिए आप, जो भक्त बात कर रहे हैं उनको भी आप दिखा देना। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। थोड़ा सा इधर होना प्रारंभ। हाँ, जय श्री श्याम। देखो पुंसी सर सदा सर से जो भक्त यात्रा कर रहे हैं, लगभग भी 211 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं, पहले भाई साहब को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज इनका पद बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि 200 किलोमीटर 211 किलोमीटर की यात्रा जो खाटू श्याम जी कनक दंडवत करते हुए पहुँच रहे हैं, तो छोटे मोटे भक्त नहीं होते। शायद इनके ऊपर बाबे की बहुत अपार कृपा है। तो इनका अनुभव पूछते हैं कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप इतनी दूरी की यात्रा, कनक दंडवत यात्रा 211 किलोमीटर कर रहे हो। भाई साहब आपको प्रणाम करते हैं। और मेरा एक चैनल है रतनगढ़ धार्मिक, और इस चैनल पर हमेशा मैं धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ। आपके सरदार शहर के और भी भक्त कई बार यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने ऐसी यात्रा किया कनक दंडवत, आज आप यात्रा कर रहे हो। सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूँगा जी। हनुमान माटोलिया जी। रात को यहाँ तालुवाला बालाजी में प्रोग्राम भी था। कैसा प्रोग्राम रहा? बढ़िया प्रोग्राम रहा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आपको देखो इस चैनल के माध्यम से भक्त देख रहे हैं, आपको क्या प्रेरणा बाबे की मिली कि आप इतनी कठिन यात्रा 211 किलोमीटर की यात्रा पुंसीसर से आप खाटू कर रहे हो? देखो मैंने वहाँ देखा कैसा कैसा पानी, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना आप करके आप खाटू पहुंचते हो, तो आपको क्या बाबे की प्रेरणा मिली, क्या अनुभव हुआ, क्या सपना है, क्या बाबे ने आपको आदेश दिया, या क्या बाबे से लेना चाहते हो, क्या ऐसी इच्छा है जो आप इतनी दूरी की यात्रा, इतनी कठिन यात्रा, या क्या ऐसी कठिनाई है आपके मन के अंदर जिससे आप ऐसी यात्रा करो, या बाबे को क्या सुनाना चाहते हो? सारी बातों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी एक आस्था थी, इसलिए बस एक आस्था थी। और कुछ मांगने नहीं जा रहे हो? नहीं, बाबा ने बहुत कुछ दे रखा है। और आपके आप सदाशिर से यहाँ तक पहुँचे हो, रतनगढ़ पहुँचे हो, तो क्या आपको आनंद आया, क्या कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा, बता सकते हो? बहुत आनंद आया जी, कठिनाई कुछ नहीं है बाबा, आनंद आता है। वाह साहब, देखो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। आपको वहाँ कोई पंचायत मंदिर वगैरह भी है क्या, या वैसे ही आप मंदिर है? मंदिर है। आपने बनाया खुद का मंदिर? नहीं नहीं, तो सभी गए। सभी गए। क्या नाम मंदिर का, नाम क्या? सिर श्याम मंदिर है। सिर श्याम मंदिर, कभी मुझे बुलाओगे? जरूर बुलाएंगे, बिल्कुल। ठीक है जी, मैं धार्मिक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये भक्त खाटू जैसे पहुँचे, इनकी जो भी मनोकामना हो, रतनगढ़ धार्मिक चैनल की तरफ से कहूँगा, अब इनकी जो भी मनोकामना हो बाबा जरूर पूर्ण करें। तो भाई साहब हमारे साथ एक और भी हैं इनसे। अच्छा भाई साहब, आपने मेरे को इतना समय दिया ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका 10 मिनट समय जो आपका लिया है, आपने बहुत ऐसा समय दिया मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकता आपको, ठीक है? भाई साहब नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सत्यनारायण पारिक। सत्यनारायण, आप कहाँ से हो? बुकनसर छोटा से, पास नहीं है बुकनसर, पुनसर पास नहीं है। तो आप जैसे यात्रा, नमस्कार, आप इतनी दूर की यात्रा कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आनंद ही आनंद है। मैं पहले भी आया हूँ जी मिश्र के साथ में, तो आनंद ही आनंद, आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। तो आपको क्या अनुभव हुआ, आप इनके साथ पूरे दूर तक जाओगे इनके साथ? वो बाबा की इच्छा है। तो कितने व्यक्ति यहाँ यात्रा करते हैं? यात्रा में 10 आदमी हैं। 10 आदमी हैं। हाँ। लोग कंटिन्यू चलते हैं? कंटिन्यू चलते हैं, बाकी गांव से और लोग बाग बहुत आते हैं, कम से कम 100-150 आदमी रोज आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा जानना चाहूंगा, क्या शेड्यूल रहता है जैसे आप वहाँ से हो, कितनी दूरी की यात्रा डेली तय करते हो? डेली 5+ है। 5+ है। हाँ। और उसके बाद में रेस्ट करते? उसके बाद में रेस्ट करते हैं। 5+ रेस्ट करते हैं, उसके बाद लगभग हम 5:15 बजे चलते हैं। अच्छा। और 11 बजे तक चलते हैं। अच्छा। और शाम को फिर 5:15 बजे ही चलते हैं। अच्छा। और 8:30 बजे तक चलते हैं, उसके बाद में जोत लेना, आरती करना। अच्छा। खाना पीना वो सब होता है। 10 व्यक्ति हमेशा है। और कितने दिन आपको लगेंगे? हमको दिन तो देखो भरजी मिश्र को लगे थे 43 दिन। और पिछले साल रवि गया था, रवि जी सोनी जी। हाँ, रवि सोनी। हाँ। तो रवि सोनी को लगे थे 54 दिन। और हमारे हम जैसे चाहते हैं कि हमें उनसे 11 किलोमीटर ज्यादा भी हैं। अच्छा। और फिर भी 40 दिन में पहुँचने की इच्छा है हमारी, बाकी तो बाबे की इच्छा है। अच्छा। चलो जी, जैसे भगवान आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं आपका नाम आपने क्या बताया जी? सत्यनारायण पारिक। सत्यनारायण जी पारिक का रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। और भी हाँ बताइए, यहाँ से हम जाएंगे ना वापिस से बाबा के, तो एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आपको जरूर बुलाएंगे पुंसीसर मंदिर में। जो बहुत बहुत धन्यवाद जी, देखो आप जरूर आएंगे उसमें।
मैं रतनगढ़ धार्मिक चैनल के माध्यम से कहूँगा, अंकल जी ने मेरे को बड़े भाव से कहा है इनकी जो भी मनोकामना बाबा जरूर पूर्ण करें। देखो जितने भक्त हैं, मैं हमेशा उन जितने भी जो कनक दंडवत यात्री हैं उनसे सबसे मिला, उन सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आज उनकी वजह से ये चैनल चल रहा है। पिछली बार आप मिले थे रतनगढ़ में, हम जैसे बड़े थे वहाँ पहुँचे थे आप। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक बार थोड़ा जयकारा लगा दो सभी भक्त। बोल काटू नरेश की, शीश के दानी की, हारे के सहारे की, भक्तों के सरताज की, बोल श्याम प्यारे की। अंकल जी कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा सा कहना और क्या है, बाबा श्याम जी की कृपा है बहुत तकड़ी, तो साथ में चल रहे हैं। आप भी सदा सिर से? हाँ, मैं उसका परिवार के ही है। हाँ, आप कंटिन्यू आप चलोगे? हाँ, कंटिन्यू चलेंगे। देखो कितनी कठिन यात्रा करके भग जाते हैं, तो इन पे बाबा कृपा क्यों नहीं करेगा। देखो बाबा से प्रार्थना आप करोगे, बरसात वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रार्थना करोगे? नहीं, प्रार्थना तो बाबा तो अपने आप सुनता है, किसकी कहने की जरूरत नहीं है, बाबा की तो नजर सब पे रहती है। और जब बच्चा बाबू इधर, अरे भाई देखो एक छोटा सा बच्चा है, क्या ना, अच्छा इनके लड़कियां क्या बाबू आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो आप इतनी दूर जा रहे हो, आपकी और बाबा की आशीर्वाद है। देखो क्या नाम आपका? हर्षित। हाँ जी हर्षित, तो आप खट्टू तक जाओगे? तो स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं स्कूल जाना पड़ेगा। अब कहाँ से आई हुई आप? लोग उतर आ रहे हो? ये संडे को आता है हमेशा। अच्छा संडे को आओगे हमेशा? हाँ कड़ी के अंदर आओगे। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं बाबे से क्या मांगोगे? मैं परीक्षा में पास हूँ, ऐसा मांगो क्या? परीक्षा में पास होना, परीक्षा में पास होना। चलो ठीक है, बच्चा है छोटा है, कम बोलता है। सर से खाटू श्याम जी जा रहे, वो मैंने आपको यात्रा दिखाई। और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर आपको देखने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कार्यक्रम शेयर से करें। एक बार मैं भगत से प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि हे भगत जी आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जो भी हमारी मनोकामना हो बाबा हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। जय बाबे श्याम। एक बार फिर से जयकार लगवाना चाहूंगा, बोलो श्री श्याम बाबे की जय हो। तो मैंने आपका इतना समय लिया, क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो देखो सब आप देख सकते हो कि सारा साधन इनके साथ में है, और जितने भी भक्त इनको रास्ते में मिलते हैं उनकी भी अपार कृपा इन भक्तों पर रहती है, इन्होंने मेरे को बताया। और आप देख सकते हो कि चाय की व्यवस्था भी इनके साथ में है, इन्होंने देखो गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर और पानी की पूरी व्यवस्था, सब व्यवस्था इनके साथ में है, और बिस्तर वगैरह भी है, सब है इनके साथ में। कहीं भी अगर आराम करना हो तो ये भाई साहब भी देखो सेवा दे रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राजू राम। राजू, अच्छा राजू राम जी एक बताओ, मैंने एक चीज पूछनी भूल गया था मैं, तो ऐसे रूटीन क्या रहेगा, कौन से रास्ते से जाओगे जैसे आप? ये डेरा सर देखे, रतनगढ़ वाला है। अच्छा डेरा सर देखे है? अच्छा डेरा सर से उधर ऐसे पंटा मिला। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो एक बात मैं बताना भूल गया था, हमारे साथ एक ऐसे भक्त भी हैं, यानी हमारे साथ तो क्या इस पुंछीसर जो यात्रा है 211 किलोमीटर खाटू की जो यात्रा है, एक ऐसे भक्त मेरे को मिले, वास्तव में उनके बाबे की अपार कृपा है। देखो मेरे को भी आंखों में पानी आ गया, मैं इन भक्तों से जब मिला, इन्होंने ऐसी जब बात बताई, आप देख सकते हो। पहले इनको प्रणाम करते हैं, अंकल जी आपको प्रणाम करता हूँ। अंकल जी क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है। बनवारी लाल जी, देखो बनवारी लाल जी है जिनकी पेशाब की कोथली क्या बता रहे थे, अभी थोड़ा बताना आप, ये दिखाना भाई साहब। देखो आप थोड़े से बैठे खड़े होने पर यहाँ से ये पीसीएम पाइप लग रही है किडनी में। अच्छा, जो किडनी से नार जाती है ना, जो किडनी से कोथली में नार जाती है वो नार ब्लॉक है। अच्छा, 8 महीना हो गया इलाज चलते हुए। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप अपना इष्ट का ही ध्यान करो, कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं बाबा की शरण में आ गया। देखो आप देख सकते हो कि इनको किडनी के द्वारा, जो किडनी के स्थान जो पेशाब तो बंद है रास्ता है, वो किडनी से सीधा पाइप लगा हुआ है, सीधा पाइप लगा, हाँ डायरेक्ट पाइप, वो ऑटोमेटिक थैली के अंदर पेशाब आता है इसके अंदर, आप देख सकते हो। देखो कितनी कठिन यात्रा और कितनी बाबे की पर इनकी आस्था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगा अभी आपको। अब ये देख सकते हो
हाँ थोड़ा बताएं ये किडनी है। ये किडनी में लगी हुई है। अच्छा। पेशाब सिर्फ इस पाइप से ही आता है, डायरेक्ट आता है, नीचे से पाइप पेशाब नहीं लगता है। तो देखो आप देख सकते हो कि कितनी बाबे पर इनकी आस्था है कि किडनी से जो अब जो मूत्र नलकी से जो पेशाब आता है वो नलकी बंद है और डायरेक्ट ये पेशाब की नलकी के द्वारा जो लगी हुई डॉक्टर के द्वारा उसी से पेशाब आता है और लगभग 211 किलोमीटर की आप यात्रा भी करोगे। हाँ यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज ऐसे ऐसे भक्त हमारे को मिलते हैं, बाबे पर इनकी अपार कृपा है और मैं तो बाबे से निवेदन भी करना चाहूँगा कोई ऐसा चमत्कार करो कि ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और इनको ऐसी पीड़ा ना हो। धन्यवाद जी। अब सुंदर आ गए। हाँ सही याद भी ले लियो बाद देखो बाद 24 घंटा मिलती रहे। ये देखो आप ये जो जोत आप देख रहे हो 24 घंटे जोत ये जलती रहती है। हाँ खाटू से लाई हुई है। खाटू से जोत खाटू से आई है, मतलब खाटू के मंदिर से जोत आई हुई है। हाँ, पुंछी सर पहुंची हुई है। पुंछी सर से वापस आप एक बार खाटू ले जा रहे हो। हाँ, और वापस लेके आओगे आप। ठीक है जी। ये देखो सभी भक्त अपने अपनी हाजिर लगवा रहे हैं। देखो सारे भक्त हम आपको दर्शन करवा दूं सभी भक्तों के आपको। और ये माटोलिया जी है और इनके साथ में भी देखो भक्त है। ये भक्त भी देखो मैं सभी भक्तों का एक बार नाम जानना चाहूँगा ताकि हर साल जब भी ये अपना जब कार्यक्रम ये देखे इनको सबको ये पता रहे भी कौन कौन इस यात्रा में शामिल हुए थे। भाई साहब आपका नाम बताना जी। मेरा प्रताप सिंह नाम। प्रताप सिंह जी। और आपका बाबू? लोकेश शर्मा। लोकेश जी शर्मा। आप जी? डूंगर। डूंगर जी। अच्छा माटोल जी पिताजी हो आप हैं। अच्छा क्या नाम बताया आपका? डूंगर राम। डूंगर राम जी। आपका बाबू? ये बच्चा है अर्षित माटोलिया है। आप जी गुरु जी? मेरा नाम बनवारीलाल माटोलिया। बनवारीलाल जी। आपका जी? सत्यनारायण पारिक। सत्यनारायण जी पारिक जी। और ये तो समझ लो कि अब गुरु बन चुके हैं आपके पुंसी सर के ये बहुत। आपका क्या नाम बताया जी? हनुमान माटोलिया। हनुमान जी माटोलिया जी। आपका जी? बाबूलाल पारिक। बाबूलाल जी पारिक जी। राम निवास नवाल। राम निवास। आप भी टीचर हो गया? तो टीचर श्याम भक्त। श्याम भक्त है पेश कर जी हो। देखो देखो जी सभी हैं। हाँ आपका जी? राजू राम। नहीं राजू राम। देखो इनकी ये पूरी टीम है और ये देखो। हाँ जी भाई टीम के अंदर जो भी सदस्य शामिल हैं उन इस यात्रा में जो भी मतलब भक्त साथ में उनके सभी के मैं दर्शन आपको करूँगा। आपका क्या नाम बताया जी? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। आप भी पुंछी सर से हो क्या? बिल्कुल। आप क्या काम करते हो? ये सेवा के लिए। सेवा के लिए है। और आपका नाम वैसा? आप भी जा रहे हो? चंद्र प्रकाश जी। चलो जी मैं सभी भक्तों का हमारे चैनल रत्नगढ़ धार्मिक है स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो आपसे निवेदन सभी भक्तों से करूंगा इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त इस कार्यक्रम को देख सकें और ये प्रेरणा ले सकें कि बाबे में कितनी बड़ी शक्ति होती है। जैसे हमारे को अंकल जी मिले उन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन जो सिर्फ बाबे पे अर्पित कर दिया। पेशाब की कोथली वाला जो मैंने आपको जो दृश्य दिखाया इतना कठिन यात्रा है इनकी फिर भी बाबे पर इनकी अपार कृपा। देख सकते हो थोड़ा सा आंखों में इनके तो मैं देख सकता हूँ दर्द है परंतु फिर भी इनको यात्रा की खुशी है। चलो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबे की। जय बाबे की।